तो कुल मिलाकर बेहद धीमी गति से इसे तोड़ा जाएगा, लेकिन दो मंजिल की बात है और आप देख पा रहे हैं पूरी मस्जिद को कि किस तरीके से बिना हथौड़ा चलाए ये काम नहीं होगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि फंड की कमी है और फंड की कमी होने की वजह से इस गति को बेहद धीमे तरीके से देखा जा रहा है। अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख पा रहे थे उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि आखिर मंशा क्या है और चाहते क्या है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि हम अपने तरीके से इस मस्जिद को उठाएंगे, लेकिन इस वक्त जो ताजा खबर है उसके मुताबिक बहुत धीमी गति से यह अवैध स्ट्रक्चर तोड़ा जाना है, जो अवैध है, अवैध के जद में है। तो पहले दिन सिर्फ टीन की प्लेटें हटाई गई, ये हम आपको बता रहे हैं, पहले दिन सिर्फ टीन की प्लेटें हटाई गई। मस्जिद कमेटी ने एक दो मजदूरों को लगाया दिखाने के लिए, कैमरे में जो चीजें आई, इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं कि एक दो मजदूर काम करते दिखे जो कि टीन की शेड हटा रहे थे, और इस रफ्तार से अगर काम हुआ तो जो ध्वस्तीकरण है वो कई महीनों में होगा, बहुत लंबा खींचेगा, जो नहीं होना चाहिए। जब साफ तौर पर आपकी मंशा है तो इसे ध्वस्त करना है तो करना है। तो बता दें आपको कि मंदिर कमेटी की ओर, मस्जिद कमेटी की ओर से माफ कीजिएगा, बहाना बनाया जा रहा है ये कहा जा रहा है, और यही वजह है कि अब इस पर नाराजगी भी सामने आ रही है। सागर का रुख कर लेते हैं, सागर इस वक्त शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, क्या अपडेट है, क्या कहना है लोगों का, क्या आज भी लोगों की तरफ से जो हमने इसके पहले तस्वीरें देखी थी नाराजगी की और इकट्ठे हुए थे लोग, क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्या दिख रहा है वहां पर आपको? देखिए अनामिका, बिल्कुल रिपब्लिक भारत की टीम इस समय उसी मस्जिद के एकदम सामने खड़ी है। हमने तो अभी रिपोर्ट में पूरी जानकारी दे रही है मस्जिद को लेकर, लेकिन कहीं केवल खानापूर्ति तो नहीं अनामिका, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो ऊपरी मंजिल इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, केवल दो से तीन टीनशेड की प्लेटें हटाई गई हैं और बार बार फंड का जो रोना रोया जा रहा है। कल के दिन शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस बात का जिक्र भी किया कि अगर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हाँ फंड नहीं है, तो फिर आखिर कोर्ट को लेटर क्यों नहीं लिखा जाता है, फंड की मांग क्यों नहीं की जा रही है? और लगभग दो से तीन महीनों का वक्त कहा जा रहा है कि सभी मस्जिद के तीन मंजिला को गिराने में लगेगा। आइए धीरे धीरे मस्जिद के करीब हम चलते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो तीन मंजिला है जिसको गिराने की प्रक्रिया चलेगी। ये जो कच्ची ईंट की दीवार आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यही वो तीन मंजिला है जिसको गिराने की प्रक्रिया आगे अब चलेगी, लेकिन अभी इसको गिराने में वक्त लगेगा काफी। और ऐसे में जो फंड का रोना रो रहे हैं मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद से देखिए आज हो सकता है दिन में बातचीत भी हम करें कि आखिर इतना लंबा वक्त आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो मामला पिछले 14 सालों से देखिए कोर्ट के पन्नों में समर्थता चला आया और फिर उसके बाद जब नगर निगम कोर्ट ने इसको कहा कि हाँ मस्जिद को गिराया जाए, और यही नहीं वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही मस्जिद कमेटी इस मस्जिद को आगे गिराने का फैसला कर रही है। देखिए एकदम मस्जिद के करीब हम आ पहुंचे हैं, हालांकि किसी को आने की इजाजत यहां पर नहीं है। देखिए मस्जिद को पूरी तरह से इस समय सील कर दिया गया है। किस तरह से इस अवैध निर्माण को किया गया है अनुप, एक बार ये भी दिखाइए अंदर, किस तरह से अवैध निर्माण को किया गया, जल्दबाजी में देखिए 5 मंजिला बना तो दिया गया बिना इजाजत के, और जो 2% कहा जाता है कि हिमाचल में आबादी मुस्लिमों की है वो इस समय बहुत शांत और गुमसुम है अनामिका। आगे देखिए हिंदू संगठन कहीं पर फिर नाराज ना हो जाए, कहीं गुस्से में ना आ जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हिंदू संगठन को खामोश करने के लिए, चुप्पी साधने के लिए कहा जा रहा हो कि हाँ मस्जिद की देखिए टीन शेड हम गिरा दिए हैं, आगे इस प्रक्रिया को चालू रखेंगे। अब सवाल ये कि क्या कितनी तेज गति से काम होता है, क्योंकि सावधानियां भी बहुत देखिए बरतनी है। 2 से 3 मजदूर केवल कल काम में लगे थे। अगर सागर जो जानकारियां मिल पा रही हैं और जिस रफ्तार से काम चल रहा है, 2 मजदूरों को लगाया गया था, जो तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत धीमी गति से ये ध्वस्तीकरण का काम चलेगा, लेकिन क्यों चलेगा ये हम आपको बता रहे हैं। जो अनसुलझे सवाल है, मस्जिद कमेटी कह रही है नगर निगम से वादे के बाद ध्वस्तीकरण का काम धीमा है, लेकिन कमेटी चाहती क्या है, कमेटी क्या नहीं चाहती कि इसे ध्वस्त किया जाए, और फिलहाल जो स्ट्रक्चर है उसी तरीके से खड़ा है और आगे जो शेड लगे हुए थे उन शेड्स को हटाया गया है। लेकिन हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर जो मौजूद है वहां पर, हमारे सहयोगी सागर मौजूद है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो ये ढांचा है, जिस तरीके से ढांचा बढ़ा हुआ है, इसे तो ध्वस्त होना चाहिए, लेकिन जो स्पीड है काम की, जो स्पीड है वो नहीं दिखती। मंशा हम बराबर कह रहे हैं कि दिमाग में कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं, और यहां पर जो ये मस्जिद का जो अवैध जो निर्माण चल रहा था, अब इसे ध्वस्त करने के लिए खुद से कहा जा रहा है कि हम ध्वस्त कर देंगे, लेकिन कैसे, टाइम फ्रेम क्या होगा, तो चलिए इस पर हम आपको बताते हैं कि क्या क्या रिएक्शंस हैं। ये सारे रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। इमारत टूटने पर नगर निगम के नियमों का पालन हो रहा है, ये हिमाचल सरकार का कहना है। अगर डेडलाइन नहीं पूरा हुआ तो एक्शन लेगी सरकार।
तो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो ध्वस्तीकरण की धीमी रफ्तार से क्या ये डेडलाइन में पूरा हो पाएगा, कई सवाल हैं। उधर अगर आप देखिए, सर्दियां बर्फबारी का इंतजार हो रहा है जिससे कि काम रुक जाए। मंशा, हम बराबर कह रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। अगर सर्दी से काम रुका तो शिमला नगर के पास कोई प्लानिंग है क्या? तो ये सारे चीजें पूछी जा रही हैं। और इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मस्जिद कमेटी की ओर से ये कदम उठाया जाएगा, ऐसे बहाने बनाए जाएंगे। शुरुआत में दो मजदूर लगा दिए गए कि भाई हम ऊपरी हिस्से को गिराने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कल जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और अब ये कहा जा रहा है आज कमेटी प्रबंधन की ओर से, कमेटी की ओर से, कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम मस्जिद की जो ऊपरी मंजिल है उसके नीचे की मंजिल है उसको नहीं गिरा सकते हैं। इस बहाने के बाद नाराजगी भी बढ़ रही है और कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे बहाने बनाए गए हैं और उसके बाद अब क्या हालत बन रहा है शिमला में। शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर कुछ दिन पहले सड़कों पर विवाद छिड़ा हुआ था। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आपत्ति तो जताई ही थी, सीएम सुक्खू के अपने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे थे। लेकिन सोमवार को जो वीडियो सामने आया वो बता रहा है कि इस मामले में अब मस्जिद की कमेटी बैकफुट पर है। पहले आप ये वीडियो देखिए, तीन मंजिला मस्जिद की छत पर लगे टिन शेड हटाए जा रहे हैं। यही नहीं, इस मस्जिद के अवैध निर्माण को आज तोड़ने का काम भी शुरू हो सकता है। जो इनलीगल तरीके से बनाई गई मस्जिद थी उसको तोड़ने का आज जो है वो मस्जिद कमेटी है, उन्होंने जो है वो खुद ही इसको तोड़ने का काम शुरू किया है। हम उनके इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। अभी आज सुखद दिन है कि ये मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए माननीय न्यायालय और वक्फ बोर्ड ने इनिशिएटिव ले लिया है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जब माननीय न्यायालय में शपथ पत्र दिया फील गिल्टी का और उसको तोड़ने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया तो ये पहल करनी चाहिए थी, इसका हम स्वागत करते हैं। ये अच्छी पहल है, जल्दी कर देनी चाहिए, थोड़ा लेट किया है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर मस्जिद कमेटी में इतना बदलाव कैसे आया। दरअसल ये मामला फिलहाल कोर्ट में है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को 8 हफ्ते के भीतर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। नगर निगम आयुक्त ने 2 महीने में मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मंजूरी मांगी गई, जिसे वक्फ ने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है। सोमवार को ये मंजूरी मिल गई। इसके बाद ऊपर के 3 मंजिलों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। कमेटी का कहना है कि पैसे जुटाकर अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा, जिसे पूरा किए जाने में 2 से 3 महीने लगेंगे। जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूं। जो उन्होंने वॉलंटरीली तरीके से अवैध जो भवन है और उसके जो अवैध पोर्शंस है, जो 3 फ्लोर है, उसको डिमोलिश करने का